सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 00 एंड 36, 15. कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2. यानी अल्टीमेटली आपको क्या करना है, जैसे ये आपका टाउन ए और ये टाउन बी है, या ये कहें कि पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो देखिए, एक पॉइंट है 00 और दूसरा पॉइंट है 36 एंड 15. तो सेकेंड क्वेश्चन में एक पॉइंट तो है आपका 00 और दूसरा पॉइंट बी जो है वो आप क्या लिख देंगे 36 एंड 15. ये देखा है इसे, ठीक है। अब वही ए बी निकालेंगे तो फार्मूला x2 - x1² + y2 - y1² सारे का रूट, यहाँ वही हो जाएगा आपका, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये आपका क्या है y2 है। इसको जब पुट करेंगे यहाँ तो ए बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, x2 यानी कि 36 माइनस x1 यानी कि 0, x1 क्या हमारा 0 का स्क्वायर, y2 कितना आपका 15, y1 कितना आपका 0 का स्क्वायर और इसका रूट। अब 36 माइनस 0 करोगे 36 ही रहेगा, तो यानी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 36 स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर। 36 का जो आप स्क्वायर करोगे यानी कि 36 × 36 करोगे तो ये आपका बनेगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर करोगे ये बनेगा आपका 225, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपका आएगा ये 1521, ये हो जाएगा। और इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 39, मीन्स ए और बी जो पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या 39। अब यहाँ थोड़ी सी एक बात ये भी रह जाती है इन क्वेश्चन के अंदर भी, 39 मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर क्या है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दे रखा, तो आप चाहो तो उसके आगे क्या लिख सकते हैं यूनिट्स, कि जो भी यूनिट है वही हो जाएगी, 39 यूनिट हो जाएगी, किलोमीटर तो किलोमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस ढंग से आपका ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट है।